आइए दोस्तों उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें और आज के यूपी के सभी मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए एक्सप्रेसवे पर औसतन 10 रुपए में चार्ज होंगे इलेक्ट्रिक वाहन। लखनऊ आगरा से लेकर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे तक ये सुविधा मिलेगी। योगी सरकार की तरफ से इलेक्ट्रिक व्हीकल चालकों को राहत देने के लिए नया प्लान बनाया गया है। खबर है गाजियाबाद से 50 मिनट में चेवर एयरपोर्ट पहुंचेगी रैपिड रेल। यूपी सरकार इन शहरों को RRTS नेटवर्क से जोड़ने का प्लान कर रही है और उन शहरों में शामिल है मेरठ, मोदी नगर, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा आदि जेवर एयरपोर्ट से डायरेक्टली जुड़ जाएंगे। इस योजना पर 12,000 करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान है। और एक अच्छी खबर देखिए दोस्तों, प्रदेश की राजधानी लखनऊ वासियों के लिए यहां से होकर गुजरेगी दो नई वंदे भारत ट्रेनें। एक तो पीएम नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को जो देश में 6 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे, उनमें से एक अयोध्या से नई दिल्ली के बीच चलेगी, ये भी लखनऊ रूट पर होकर जाएगी, ठीक है। इसके अलावा लखनऊ से गोरखपुर के लिए पहले से वंदे भारत ट्रेन चल रही है, तो इस तरह से दो वंदे भारत ट्रेनें अब लखनऊ से गुजरेगी। और बड़ी खबर है काशी के यात्रियों का सफर अब और आसान हो जाएगा। शहर में फर्राटे भरेंगी 100 इलेक्ट्रिक बसें। जी हां, 274 करोड़ रुपए से 1350 नई बसें खरीदने का प्लान बनाया है सीएम योगी ने। यूपी परिवहन निगम की नई डीजल बसें जल्दी उत्तर प्रदेश रोडवेज के बेड़े में शामिल होगी और इससे 1,00,000 से भी ज्यादा यात्रियों को सस्ते में सफर का मौका मिलेगा। चलिए अगली बड़ी खबर है, आगरा से इजराइल जाएंगे 50 श्रमिक उत्तर प्रदेश आगरा से, मतलब इनको योगी सरकार की मंजूरी भी मिल चुकी है। इन्हें 1,34,000 रुपए हर महीना वेतन मिलेगा वहाँ इजराइल में। और जिन जिन भी श्रमिकों को इजराइल भेजा जाएगा उनका जनवरी में इंटरव्यू होगा दिल्ली में। चलिए बड़ी खबर दोस्तों, नववर्ष पर खुशखबरी देते हुए सीएम योगी ने एक फैसला लिया है। 24 और 31 दिसंबर को रात 10 की जगह 11 बजे तक खुलेगी शराब की दुकानें, क्योंकि क्रिसमस और न्यू ईयर के फेस्टिवल के चलते 1 घंटा टाइमिंग बढ़ा दी गई है शराब दुकानों के खुला रहने की, है ना। और प्रदेश के युवाओं के लिए आखिरकार कई महीनों का इंतजार खत्म हुआ। योगी सरकार द्वारा 60,000 पुलिस पदों पर भर्ती जारी कर दी है। जनरल वर्ग के युवाओं को उम्र सीमा में कोई छूट नहीं मिली। 25 मिनट में 4800 मीटर दौड़ने पर सिलेक्शन होगा। इस भर्ती के बारे में कुछ और डिटेल्स जानकारी देखिए जरा। सबसे पहले तो अंतिम तारीख देख लीजिए, 16 जनवरी 2024, तब तक आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। अभ्यर्थी 17 दिसंबर से ही इस भर्ती में ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे, मतलब फॉर्म भरना चालू हो जाएंगे, ठीक है। और 60,244 पदों में से जनरल के लिए 24,102 पद हैं, पिछड़ा वर्ग के लिए 16,264, SC के लिए 12,650, ST के लिए 1204 और EWS के लिए 6,024 पद तय किए गए। और भी ये स्क्रीन पर देख सकते हैं आप अलग अलग तारीख और आरक्षित नागरिक पुलिस के पदों की संख्या के बारे में। अच्छा, कैंडिडेट्स के लिए सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा? 12वीं पास, NCC बी सर्टिफिकेट वाले कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। एज लिमिट जनरल वालों के लिए 18 से 22 साल, OBC SC ST के लिए 18 से 27 साल, जनरल महिला को 18 से 25 साल और OBC SC ST महिला को 18 से 27 साल तक उम्र सीमा में छूट का फायदा मिलेगा, ठीक है। पुरुषों के लिए फिजिकल लंबाई चौड़ाई देखिए जरा आप, 168 सेमी, युवाओं के लिए सीना बिना फुलाए कम से कम 79 सेमी वगैरह वगैरह, और डिटेल्स आप देख सकते हैं। इसी तरह से लड़कियों महिलाओं के लिए भी जानकारी यहां पर दी हुई है, ठीक है। तो आखिरकार काफी लंबे इंतजार के बाद यूपी पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2023 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। आप इस पोर्टल के जरिए डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको PDF डाउनलोड करना तो मैं लिंक नीचे डाल दूंगा, ठीक है। एक रिपोर्ट इसमें ये भी है दोस्तों कि 60,000 में से 12,000 से ज्यादा पदों पर तो महिलाओं की नियुक्ति होगी अलग अलग कैटेगरी में, मतलब SC ST OBC सब में। ओके, और अगला अपडेट देखिए आप, कली चौधरी चरण सिंह जी की 121वीं जयंती थी। इस मौके पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तोहफा दिया यूपी में किसान भाई लोगों को योगी सरकार ने। ट्रैक्टर भी दिए और किसानों और वैज्ञानिकों को सम्मानित भी किया। ये देख सकते हैं आप, झंडी दिखाकर ट्रैक्टरों को रवाना किया। इसके साथ ही प्रदेश भर में ठंड का माहौल बढ़ता जा रहा। कोहरे से कानपुर झांसी में 7 वाहन टकरा गए। यूपी के 13 जिलों में बारिश का भी अलर्ट है। अयोध्या में तो 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक पारा चल रहा है और आज से शीतलहर चलने की भी संभावना पूरे उत्तर प्रदेश में। तो कोहरे वगैरह के दौरान प्लीज दोस्तों गाड़ी चलाते समय सावधान रहें। और बाकी उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों में आज बारिश की संभावना और चेतावनी है, जिसकी लिस्ट भी आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए मौसम के बाद अगली बड़ी खबर देखिए आप, 31 दिसंबर तक ASI कर्मचारियों की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई है। शनिवार को आगरा के ताज का दीदार करने पहुंचे 37,000 से ज्यादा पर्यटक, लंबी लाइन भी दिखाई दी। चलिए अगली खबर है दोस्तों, अब आपको नई सुविधा मिलेगी। ताजमहल आगरा में बटेश्वर पहुंचा हेलीकॉप्टर। 25 दिसंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका शुभारंभ करेंगे। 2019 में PM मोदी ने हेलीपोर्ट का शिलान्यास किया था यहाँ। अब यहाँ से हेलीपोर्ट सेवा शुरू होने जा रही आगरा से, ठीक है। और खबर है वाराणसी में, अब गंगा नदी में नहीं चलेगी डीजल इंजन वाली नाव। निगम ने लाइसेंस के नवीनीकरण पर भी रोक लगाई, विधिक कार्यवाही का फैसला लिया। बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश में 31 दिसंबर के बाद शुरू होगी बिजली बकायेदारों पर कार्यवाही, क्योंकि तब तक OTS योजना भी खत्म हो जाएगी और फिर इस तरह से बिजली बकायेदारों के घर घर जाकर सख्त कार्यवाही की जाएगी। अभी OTS योजना के जरिए 3900 करोड़ की वसूली की है योगी सरकार ने। बिजनौर में बोले मुख्यमंत्री योगी, कहा नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में अब बस चंगा ही चंगा। कांवड़ यात्रा के साथ मंदिर का भी निर्माण हो रहा अब उत्तर प्रदेश में। और दोस्तों खबर है कि COVID-19 के नए वेरिएंट के बाद बांके बिहारी मंदिर के लिए भी नई गाइडलाइन जारी की गई है, ये लोग न आए। बांके बिहारी मंदिर प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए कुछ नए आदेश जारी किए हैं। और आदेशों में कहा गया है कि छोटे बच्चे, बच्ची, बीमार, बुजुर्ग व्यक्ति, 60 साल से ज्यादा आयु के लोग बाग अभी कोरोना का माहौल चल रहा तब तक मंदिर दर्शन करने के लिए नहीं आए, ठीक है। और दोस्तों अयोध्या के रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए सिर्फ 84 सेकंड का अबूझ अचूक शुभ मुहूर्त तय किया गया। इसी शुभ घड़ी में
राम जी की पहली पूजा होगी। सिर्फ 1 मिनट 24 सेकंड का यह मुहूर्त होगा। इस दरमियान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। काशी के पंडितों ने यह शुभ समय तय किया है। 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य दिव्य समारोह होगा, आपको पता होगा। तो ये 1.5 मिनट के अंदर अंदर लगभग रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पूजा सम्पन्न होगी। मुहूर्त के समय की बात करें तो 22 जनवरी दोपहर 12:29 पर 8 सेकंड से ही ये अबूझ मुहूर्त शुरू होगा। 12:29:08 फिर 20 जनवरी से 3 दिन तक राम मंदिर के दर्शन आम लोगों के लिए बंद रहेंगे, क्योंकि राम मंदिर उद्घाटन पर VVIP लोकबाग आएंगे, तो इसलिए आम लोगों के लिए तब तक 2-3 दिन तक दर्शन जो है बंद रहेंगे। लगभग 20 से 22 जनवरी तक स्पेशल DG लॉ एंड ऑर्डर की ओर से ये निर्देश भी जारी किए गए हैं। अयोध्या में वर्ल्ड क्लास डेवलपमेंट हो रहा है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक बोले कि प्राण प्रतिष्ठा में लगाया जाएगा मेडिकल कैंप, तैनात होंगे अतिरिक्त डॉक्टर भी। अयोध्या के लिए नई दिल्ली अहमदाबाद से उड़ान सेवा भी शुरू होगी। 100 जहाज लेकर आएंगे मेहमान। 30 तारीख को PM मोदी अयोध्या एयरपोर्ट का भी उद्घाटन करेंगे। चलिए अगली खबर है दोस्तों, रोजगार की नई राह खोल रहा सेवा योजन पोर्टल। वित्त वर्ष 2023-24 में अब जिले में आयोजित 24 रोजगार मेलों में 2694 युवाओं को रोजगार मिल चुका है। ये देवरिया जिले का आंकड़ा है। और खबर देखिए, सिविल टर्मिनल के लिए मिली पर्यावरण क्लियरेंस, अब होगा निर्माण। 12 साल पहले तैयार हुआ था प्रस्ताव, लोकसभा चुनाव से पहले होगा भूमि पूजन। अलीगढ़ में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन, वेतन भुगतान का भी आश्वासन दिया गया। खबर है, बाढ़ वाले 22 जिलों में 804 इन्फ्लेटेबल बोट्स खरीदेगी योगी सरकार। जिले ग्रामीण खुद ही चला पाएंगे और बाढ़ प्रभावित जिलों को राहत मिलेगी। CM योगी द्वारा इसके लिए बजट भी जारी कर दिया गया है। अच्छा, सर्दियों के मौसम में एक और घोषणा की है, सभी नगरीय निकायों में रेन बसेरा बनाए जाएंगे। शेल्टर होम्स के संचालन का निर्देश भी जारी किया, मतलब CM योगी ने, ठंड के मौसम में सर्द हवाओं की बढ़ती आशंकाओं के देखते हुए। और दोस्तों, प्रदेश की जमीन जायदाद की विवादों पर खबर आ रही कि 3 महीने में जमीन जायदाद से जुड़े 12 लाख विवादों का निपटारा हुआ, मतलब 12 लाख कोर्ट केस जो पेंडिंग थे वो कंप्लीट हुए। CM योगी की शक्ति का असर साफ साफ दिखा है। चलिए खबर है, 20 लाख निवेशकों की फंसी धनराशि लौटाएगी योगी सरकार, मंजूर किया ये एक्ट। सहारा फाइनेंस लिमिटेड, PACL समेत अन्य चिटफंड कंपनियों में जो UP के 20 लाख निवेशकों की रकम फंसी हुई है उसको लौटाने के लिए योगी सरकार ने नई पहल शुरू कर दी है। इसके लिए निक्षेप स्कीम पाबंदी एक्ट मंजूर कर दिया है। ठीक है, इस एक्ट को केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए भेज दिया गया और ये एक्ट जैसे यूपी में मंजूर होता ना, इससे क्या क्या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की सुविधा वगैरह मिलेगी जिसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी एक्ट में ये प्रावधान करके नया एक्ट बनाया गया है। ओके, और खबर है, NCR में रहने का सपना हुआ पूरा, प्रदेश को मिला दूसरा नोएडा। CM योगी ने किए बड़े ऐलान। दरअसल 2023 अब खत्म होने वाला है, 2024 आने वाला है और इस मौके पर नोएडा बनने के 47 साल बाद प्रदेश को मिला एक और औद्योगिक शहर जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। चलिए खबर है, यूपी में CMA का गठन हुआ, निवेशकों के लिए ये सहायक होगा और यही CMA जो मैंने आपको बताया ना कि निवेशकों का पैसा फंसा लौटाने के लिए योगी सरकार का प्लान है, इसका फुल फॉर्म है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड आर्बिट्रेशन। चलिए दोस्तों, खबर है, योगी सरकार ने किसानों को भी खुशखबरी दी है। गन्ना किसानों के लिए भी CM योगी द्वारा, देखिए इस साल 2023 तक पिछले 5 सालों में मतलब 2017 से 23 तक लगभग 51,000 से ज्यादा किसानों को PM कुसुम योजना के अंतर्गत सोलर पंप उपलब्ध करवाए हैं, ये आंकड़े जारी किए CM योगी ने। चौधरी चरण सिंह जी जयंती के मौके पर भी उन्होंने याद करते हुए कहा कि यूपी के अन्नदाताओं के खाते में 60,000 करोड़ पहुंचे हैं। अभी OTS योजना जो चल रही है इससे 76,000 बिजली चोरी करने वालों को राहत मिली है, 37,60,000 लोगों को फायदा मिला। 31 दिसंबर के बाद तो कार्यवाही होगी ही। खबर है, यूपी में अब इस खेती किसानी को आगे बढ़ाने का चांस बढ़ गया है किसान भाइयों के पास। इन 6 जिलों से शुरुआत होने जा रही है। 6 जिले हैं बरेली, बुलंदशहर, अमरोहा, चंबल, रामपुर और मुरादाबाद, जहां योगी सरकार एग्री स्टार्टअप शुरू करने जा रही है। आधुनिक तरीके से, हाईटेक तरीके से मक्के वगैरह की खेती होगी और भी मतलब कई आधुनिक सुविधाएं लगाई जाएगी। हाई टेक्नोलॉजी के माध्यम से खेती होगी इन 6 जिलों में। ठीक है, बुलंदशहर में भी देखिए किसानों को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दी जा रही, छोटी फसलों पर ड्रोन के जरिए दवाओं का छिड़काव भी किया जा रहा है। चलिए बड़ा खुलासा आ रहा, बुलंदशहर में 42 किसानों ने फेक डॉक्यूमेंट से लिया 1.25 करोड़ का लोन। जांच में खुलासा होने पर बैंक अधिकारियों ने FIR भी दर्ज कराई, खतौनी से भी छेड़खाड़ की। खबर है, सरकार निजी ट्यूबवेलों के लिए फ्री देगी बिजली। CM योगी बोले कि मुरादाबाद से हवाई सेवाएं भी शुरू होगी। कल ये बड़ी घोषणा की CM योगी आदित्यनाथ ने। और खबर है दोस्तों, भाजपा विधायक राम दुलार को एक और बड़ा झटका लगा, 25 साल की सजा के बाद अब विधानसभा सदस्यता भी समाप्त हुई। यूपी मॉडल पर त्रिपुरा राज्य सरकार द्वारा भी कानून व्यवस्था लागू की गई, गुंडा राज खत्म करने से अब ऐसे पनपने से रोका जाएगा, बुलडोजर पर चाबी लगाई जाएगी, चालू किया जाएगा उसे। और देखिए खबर, विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए CM योगी, कहा नया भारत PM मोदी के 9.5 वर्षों के नेतृत्व का परिणाम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में भूख बीमारी से नहीं होगी कोई भी मौत, डबल इंजन सरकार की गारंटी है। आजमगढ़ में 17 महीने में 7,609 युवाओं को मिला रोजगार। 38 रोजगार मेले में 15,000 कैंडिडेट्स ने किया था रजिस्ट्रेशन। प्रयागराज के एक टीचर की अनोखी पहल देखिए दोस्तों, सरकारी स्कूल में QR कोड से पढ़ा रहे विवेक। शिक्षक ने बच्चों को पढ़ाने का नायाब तरीका खोजा है, मोबाइल से जैसे स्कैन करेंगे इन QR कोड को सामने वीडियो खुलेगा और ज्ञान का पिटारा भी, ये देख सकते हैं इनकी कुछ तस्वीरें भी। और खबर है, पूरा छात्र सम्मेलन में आएंगे देश विदेश के डॉक्टर। प्रयागराज के अमलन मेडिकल कॉलेज में बाराती बनकर पहुंचेंगे डॉक्टर, 63 डॉक्टर्स को मिलेगी उपाधि भी, पूरा में आयोजित होगा। गीता जयंती पर गीता के श्लोकों से गुजा स्कूल परिसर, 2000
2000 बच्चों ने एक साथ किया पाठ आगरा में, कहा कि जब भी घर से निकले एक श्लोक जरूर पढ़ें। जौनपुर में विश्वविद्यालय 5 जनवरी तक बंद रहेंगे। गाजीपुर और जौनपुर के सभी महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक छुट्टियों की घोषणा हुई। खबर है दोस्तों, हरदोई में थायराइड मशीन का प्रिंसिपल ने किया उद्घाटन। इधर उधर भटकने वाले मरीजों को राहत मिलेगी। मेडिकल कॉलेज के पैथोलॉजी में सुविधाएं धीरे धीरे बढ़ रही है। हरदोई के मेडिकल कॉलेज में ये थायराइड मशीन का उद्घाटन हो चुका है। देखिए, औरैया में बच्चों को पिलाई जाएगी विटामिन ए की खुराक। 9 महीने से 5 साल तक के बच्चों को लगभग 1.5 लाख से ज्यादा बच्चों तक ये खुराक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। वाराणसी में शुरू हुई हेल्थ स्कीम की मासिक समीक्षा। डीएम बोले, वेलनेस सेंटर का नाम बदलकर तत्काल आरोग्य मंदिर किया जाए। और खबर है, बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में डॉक्टरों ने फिर मंगा ली बाहर से दवाएं। मरीज के पास मिला मेडिकल स्टोर का पर्चा, अब सख्त कार्रवाई होगी। डिप्टी सीएम ने अयोध्या में स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की। बोले, यहां भी कुंभ जैसी स्वास्थ्य सेवाएं शुरू की जाए। सेहत का ध्यान रखने की सलाह दे ही रहे थे आईआईटी प्रोफेसर, तभी मंच पर बोलते समय हार्ट अटैक आ गया, दिल का दौरा पड़ गया और उनकी जान चली गई। आईआईटी प्रोफेसर समीर खांडेकर को मंच पर बोलते समय हार्ट अटैक, वो एलुमिनाई मीट को संबोधित कर रहे थे। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर योगी सरकार ने जारी की गाइडलाइन। खांसी बुखार आने पर करानी होगी कोविड की जांच। योगी सरकार की तरफ से सख्त निर्देश जारी करते हुए ये हिदायत दी गई है। और खबर देखिए, काशी की बेटी स्नेहा ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। 7 घंटे में 4,308 थर्माकोल बॉल से बनाई भगवान श्री कृष्ण की पेंटिंग, खूब हो रही तारीफ। 29 दिसंबर से 10 ट्रेनें निरस्त रहेगी। गोरखपुर सिकंदराबाद समेत कई ट्रेनें नहीं चलेगी, रेलवे की तरफ से जानकारी शेयर की गई। लखीमपुर खीरी में देखिए, गोला में दुकानों पर छापेमारी कर 1.5 क्विंटल पॉलीथीन बरामद की गई। 21,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। नगर पालिका और राजस्व टीम ने संयुक्त रूप से यह अभियान चलाया। और खबर देखिए, आईपीएस अफसरों को मिला नए साल का तोहफा। रमित शर्मा, संजीव गुप्ता बने एडीजी। 2010 बैच के आईपीएस बने डीआईजी। लखनऊ में क्रिसमस डे पर बदला रहेगा ट्रैफिक, 2:00 PM से लागू होगा पाबंदियों का दौर। पार्किंग में गाड़ी न खड़ी करने पर होगा चालान। युवा सशक्तिकरण योजना के तहत छात्रों को मिला स्मार्टफोन। प्रिंसिपल बोले, स्टूडेंट्स को डिजिटल शिक्षा से जोड़ा जा रहा है जिससे तकनीकी तौर पर सशक्त हो सके। यूपी में अगले 48 घंटे घने कोहरे का अलर्ट है। 2 डिग्री तक जा सकता है न्यूनतम पारा तापमान। मेरठ और कानपुर का वातावरण सबसे ठंडा चल रहा, तो सावधान रहिएगा।